टीवी इंडस्ट्री से आज एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। एक्टर रसिक दवे का 65 साल की उम्र में किडनी फेलियर के कारण निधन हो गया है। रसिक दवे हिंदी और गुजराती फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री दोनों में ही एक जाना माना चेहरा थे। उनके निधन की खबर से फैन से लेकर सेलेब्स तक सब सदमे में हैं। रसिक को महाभारत, ब्योमकेश बख्शी और कई टीवी सीरियल्स में उनकी भूमिकाओं के लिए हिंदी टेलीविजन दर्शकों के बीच जाना जाता था। इतना ही नहीं, उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में भी काम किया था। वो पिछले कुछ समय से किडनी की बीमारी से पीड़ित थे और 2 साल से अधिक समय से डायलिसिस पर थे। आपको बता दें, रसिक दवे की पत्नी केतकी दवे टीवी इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। उनको फेम पॉपुलर टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अपने कैरेक्टर दक्षा से मिला था। केतकी की माँ सरिता जोशी भी एक पॉपुलर एक्ट्रेस है और पिता प्रवीण जोशी थिएटर निर्देशक थे। केतकी को अपने माता पिता से थिएटर और अभिनय का प्यार विरासत में मिला। उनकी बहन पूर्वी जोशी भी एक्ट्रेस है। इतना ही नहीं, एक्टर शर्मन जोशी और मानसी जोशी रॉय केतकी के कजिन्स हैं। केतकी दवे ने आमदनी 98 खर्चा रुपया, मनी है तो हनी है, कल होना हो और हेलो जैसी फिल्मों में काम किया है। केतकी ने नच बलिए 2, पवित्र रिश्ता, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, बिग बॉस 2, बालिका वधु 2 जैसे हिट शोज में भी काम किया है। रसिक दवे और केतकी दवे के 2 बच्चे हैं, रिद्धि दवे और अभिषेक दवे। रिद्धि दवे भी एक एक्ट्रेस है। रसिक और केतकी दवे एक गुजराती थिएटर कंपनी के मालिक भी है। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। आपको बता दें, कई गुजराती फिल्मों में काम करने वाले रसिक ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत गुजराती फिल्म पुत्र वधु से की थी। इसके बाद उन्होंने फिल्म मासूम से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। केतकी और रसिक ने साल 2006 में डांस रियलिटी शो नच बलिए में भी पार्टिसिपेट किया था। वही रसिक दवे ने कई सालों के ब्रेक के बाद टीवी सीरियल संस्कार धरोहर अपनों की से कमबैक किया था। वो ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं, सीआईडी और कृष्णा जैसे पॉपुलर टीवी शोज का हिस्सा भी रह चुके हैं। फिल्मी बीट की तरफ से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें।